सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान मीठा बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है नज़र से निहाल। साथ ही बाप पूछ रहे हैं, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नागाड़े बजने चाहिए, क्यों? बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नजर से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी। बाबा कहते हैं, रूहानी श्री बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूं। बाप के दिल में तो वर्षा ही याद होगा। बाबा कहते हैं, लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता है तो मुझते हैं, किसको दें? फिर एडप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नजर जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है, भल बैठे हैं यहाँ, परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम, सुख धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं। नजर तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे अब विनाश होता है, अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना, तो बुद्धि में आएगा बाप आया हुआ है, पैराडाइज स्थापन होगा, फिर हम शांति धाम चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है, कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं, हजारों मरते रहते हैं, मौत तो होना ही है। सत्य में यह बातें होती नहीं है। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, यह पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी, बहुत हो जाएंगे। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी होगा, इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है, अभी हम जाते हैं सुखधाम। जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है, विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे हम सूर्य के मालिक देवता बनते हैं। वहां कितने सुख होंगे, उस सुख को सभी याद करते हैं। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे ही बहुत समय अलग रहे हैं, बहुकाल। क्या
यह भी बाप आप ही समझाते रहते हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं आयु कलयुग की, बाप कहते हैं नहीं, यह तो हर 5000 वर्ष बाद तुम पहले पहले बिछड़े हो, वही फिर आकर बाप से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। जीवात्मा है ना, आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है, वंडर है ना। पढ़ाने वाला भी वंडरफुल है, पढ़ाई भी वंडरफुल है। किसी को भी याद नहीं, भूल जाती है। आगे जन्म में क्या पढ़ते थे किसी को याद है क्या? इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है, यह याद रहना चाहिए। यह संगमयुग पुरुषोत्तम युग है, क्योंकि बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो ये याद रखना जरूरी है, तीनों रूप में याद करो। कितनी युक्तियां बाबा दे रहे हैं याद करने के लिए। उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को आत्मा समझो। सिर्फ देह के बदले जब आत्मा समझेंगे तब परमात्मा को याद कर सकेंगे, और याद करने से आत्मा के सारे विकर्म दग्ध विनाश हो जाएगा, आत्मा पावन बन जाएगी। तो इसलिए भागते मुझे याद करने की पुरुषार्थ करो। नॉलेज तो बहुत सहज है, सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं। तुम बाप को याद करते रहते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर ही एक खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो हमारी बुद्धियोग जो बाप के साथ और पढ़ाई के सब्जेक्ट में होनी चाहिए वो नहीं है, भूल जाते हैं। कितने चित्र बनते रहते हैं, पांडव गवर्नमेंट प्लान में के देखो कैसे हैं, उस गवर्नमेंट के भी प्लान हैं। तुम समझते हो नई दुनिया सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था, सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है, दुनिया तो एक ही है। गायन है परंतु संगम कब होता है ये किसी को पता नहीं। तुम बच्चे समझ गए हो, चार युग हैं, यह है लीप युग। इनको मिडगेट कहा जाता है, श्री कृष्ण को भी मिडगेट दिखाते हैं। तो यह है नॉलेज। नॉलेज को मोड़ तोड़कर भक्ति में क्यों बना दिया है? ज्ञान का सार सूत्र मुझा हुआ है, उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है। प्राचीन राजयोग सिखलाने के लिए विलायत में जाते हैं, वो तो यह है ना, प्राचीन अर्थात पहला। सहज राजयोग सिखलाने वाले बाप आए हैं, कितना अटेंशन रहता है। तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए, आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं यह नॉलेज जो तुम अभी तुमको देता हूं फिर मैं आकर दूंगा। ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। ये ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी होती है। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व तो निकल जाएगा तो खुशी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुखधाम में जाते हो, स्वतः प्रधान बन जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वही फिर बनेंगे, उनको ही खुशी होगी। फिर ये पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर स्वतः प्रधान दुनिया में जाएंगे। यह नॉलेज खुलास हो जाएगा। बातें तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरण करो तो भी खुशी रहेगी। हम यह बन रहे हैं, सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की? 5 विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं? लव तो नहीं आया? अपने ऊपर जांच रखनी है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापना करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। बाबा कहते हैं रोज अपनी जांच करनी है,
कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी का काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। तो आज बाबा हम बच्चे को वरदान दे रहे हैं, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भवा। बाबा कहते हैं किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की सिर्फ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा रह नहीं सकते। आप सबके पास तो यह सब सिर्फ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं वरदानी संपत्तिवान आत्मा हूं, मैं वरदानी संपत्तिवान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रहना है कि बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।